नमस्कार, आप हैं कशिश न्यूज के साथ। मैं हूं राकेश। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बिहार ईंट निर्माता संघ का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं। गोपी श्रीनिवास जी, महासचिव उत्तर प्रदेश, अपने पारत कुमार जी, महासचिव बिहार के, पारत जी है, प्रभात जी और परितोष साहब, उपाध्यक्ष त्रिपुरा, जोगेश अग्रवाल अध्यक्ष पश्चिम बंगाल, विपुल मालाकान जनरल सेक्रेटरी असम, मालाकार जी और अपने राजस्थान से भी अध्यक्ष आए हुए हैं, कश्मीर से डार साहब, आंध्रा से रथा शेखरम तमिलनाडु से, और चौधरी जी आंध्र प्रदेश से, एस एस त्रिपाठी जी भी कर्नाटक से, और झारखंड के हमारे यहाँ नेता सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो मैं बहुत लोगों का नाम नहीं ले पाया हूँ, इसलिए क्षमा करेंगे। मैं मूल बातों पर आता हूँ, थोड़ा आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, आप लोग को हमारे अध्यक्ष जी ने स्वागत किया है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में आज जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी चीन के बाद, और एक विशाल देश है। मनुष्य की तीन प्रमुख आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो निश्चित रूप से जो मकान जिसको कहते हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके नींव का जो इस्तेमाल होता है वो ईंट से होता है, और इसलिए उसकी एक बड़ी भूमिका यहां ईंट भट्टा उद्योग, ये बरसों से ही नहीं, मैंने पहले कहा कि भले अब 50 वर्ष बिहार का हुआ है, ऐसे अन्य राज्यों में भी कई वर्ष हुए हैं, तो ईंट भट्टा उद्योग संघ ये देश स्तर पर स्थापित है। सोचिए इस ईंट भट्टा उद्योग के हमारे विकास में कितनी महान भूमिका है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। यह उद्योग हमारे समाज के लिए कितना उपयोगी है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। इसलिए ईंट भट्टा उद्योग भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में, जहां एक रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, और यह लोगों को उनकी आजीविका के लिए, जरूरतमंद जो कमाई है इसके बनाने के लिए, इसका उपयोग तक, अंतिम उपयोग तक, घर को बनाने का और गृह निर्माण की मजदूरी तक ये काम करते हैं। आपके उत्पाद का उपयोग स्थानीय जो निर्माण प्रोजेक्ट्स और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए ये लगातार होता रहता है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट भवन हो, स्वतंत्र भवन हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, मकान निर्माण में ईंट की जरूरत पड़ती है। और मैंने पहले ही बता दिया कि ईंट अगर कमजोर ईंट हो गया, नींव अगर कमजोर पड़ गया, तो निश्चित रूप से वो मकान भी कमजोर हो जाता है। और जिस प्रकार बच्चों का अगर संस्कार, उनका पोषण पालन अगर ठीक से नहीं हुआ, तो वो बच्चे भी कमजोर हो जाते हैं, वो बड़े होते हुए कमजोर होते हैं। इसलिए ईंट निर्माता कितनी बातों का ध्यान रखता है कि आप ईंट बनाने के लिए जो जो वैज्ञानिक तरीका धीरे धीरे आप उसको अपना रहे हैं। पहले हमें याद है जब 60 के करीब
मेरे घर में ईंट का भट्टा लगा था, पिताजी ने भट्टा लगाया था, और ईंट का भट्टा जब लगा था तो बड़ा भोज हुआ था, क्योंकि हम लोगों के यहां पारिवारिक रूप से पुस्तैनी रूप से मिट्टी के दो मंजिला छत हुआ करते थे, जिसमें हाथी भी प्रवेश करता था बारात में, बड़े गेट थे, और वो कहा जाए पुरातन हमारे दादा परदादा के वक्त से वो मकान थे, और कई शादियों में मैं सवाला बनकर के और हाथी पर चढ़ के अपने गेट से पास करता था। लेकिन 60 के दशक में 59-60 में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सब धराशायी हो गया। हम लोग किसान के बेटे, एक संभ्रांत किसान होने के नाते, और पिताजी ने जब ईंट का भट्टा पहली बार गांव में, हमारे गांव में पहला ईंट का भट्टा हमारे यहाँ लगा था, भोज भी हुआ और पूजा पाठ, ईंट भट्टा लगाने में पूजा पाठ जो हो सकता है वो हुआ, जो हमारा संस्कार है। मुझे याद है अच्छी तरह, उस भट्टे को कोयला लाने से लेके धनबाद से पिताजी कितने परेशान होते थे, मैंने बचपन में उन चीजों को देखा है। आप तो ईंट भट्टा के मालिक हैं, ऐसा हजारों ईंट भट्टे उद्योग आप चलाते हैं, हमारा तो वो छोटा 1-2 लाख का ईंट का भट्टा लगा था। तो मुझे याद है कितने दिन हम लोगों ने उसकी जोगवारी किया, वहां जाकर के ईंट भट्टा के पास सोते थे, तो ईंट जोड़ने से लेकर के ईंट भट्टा लगाने का मेरा बचपन का वो अनुभव रहा, और वो बचपन आज भी मुझे याद है। तो मैं आपके साथ हूं, आपके इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। मैं बिहार में भी जब यहां विधायक रहा तो मैं पर्यावरण समिति का अध्यक्ष भी था, और उस समय मैंने घूम घूम करके, जब ये 2000 में वो बात आई थी कि ये लागू हो जाए पर्यावरण एक्ट के अंदर, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे आप, तो बिहार के प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है राज्य सरकार की, मैंने कई बैठकों को आयोजन बिहार के स्तर पर भी किया था, और कोने कोने में जाके, चाहे कहलगांव हो, चाहे बेतिया हो, चाहे पूर्णिया हो, बिहार के हर कोने में जाकर के मैंने उसका अध्ययन भी किया था। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो बिहार सरकार की थी, उसके साथ लगातार बैठकें करके कई समस्याओं का समाधान भी कराया था, और विधानसभा में जो माननीय विधायकों ने उस पर चर्चा की, तो पर्यावरण समिति में हमने बहुत सारी बातों को और उस पर बजाबते उसको बिहार सरकार को हम लोगों ने वह पर्यावरण समिति के माध्यम से जो सरकार को सुझाव दिए गए थे, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम शायद आज तक नहीं हो पाए होंगे, कुछ चीजों की चर्चा आपने किया है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि जो चर्चा आपने किया है मैं जरूर और जल्द ही मैं आप सबको आमंत्रित करने वाला हूं, और मैं चाहूंगा कि अखिल भारतीय बिहार के हमारे अध्यक्ष मुरारी जी हैं, और देश भर के आप प्रतिनिधि अध्यक्ष यहां पदाधिकारी आए हुए हैं, आप तय कर लीजिए। एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आपने बहुत कुछ जानकारी मुझे आज दिया है, लेकिन आप एक पूरा संलेख बना करके आज हो सके तो आज देना, संभव हो तो दीजिए, ताकि बैठक के पूर्व मैं उसका अध्ययन करके और आप सब लोगों को सम्यक जवाब भी दे। अभी बता रहे थे अश्विनी कुमार के बारे में, अश्विनी कुमार हो दो भाई, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार नहीं अश्विनी कुमार हो, तो मैं तो, आपने ठीक कहा कि जब देवताओं के वैद्य हो सकते हैं तो
तो आपका वैद्य क्यों नहीं हो सकता? और मेरे माता पिता ने, मेरी दादी ने, मेरा नाम बचपन में नूनू बाबू था, और मैं स्कूल में जब गया पहला दिन खल्दी चूने सरस्वती पूजा के दिन, तो मेरा नाम वहां बदल दिया गया और अश्विनी कुमार रखा गया। मैं बहुत रोया, और मैं रोते हुए जब घर आया तो दादी से लिपट करके मैंने कहा पिताजी को, मैं बहुत गुस्सा में भीतर से था, पिताजी से मैंने कहा कि मेरा नाम क्यों बदल दिए? बोले मैं नहीं जानता हूं, ये माँ जानती है, दादी जी जानती है, उन्होंने बदला है, चलो उनसे पूछना। तो मैं घर पर दादी जी से लिपट करके कहा दादी तुम प्यार करना छोड़ दिए, मेरा नाम क्यों बदल दिया? बोला नहीं बेटा, सुख सागर में मैंने पढ़ा है, और अश्विनी कुमारों देवताओं के वैद्य होते हैं, वो वैद्यराज होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, तुम्हें वैद्यराज बनना है, डॉक्टर बनना है। मैं उछल करके, और फिर वहां हंसते हुए मैंने कहा भाई डॉक्टर बनूंगा, अच्छी बात कह रहा हूं, तो मैं डॉक्टर बनने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ा। हालांकि उसमें मैं सफल भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर ना बन के डॉक्टर के खान में रहने का, मुझे बिहार में भी स्वास्थ्य मंत्री वर्षों तक रहा, और ऐसा नहीं, बिहार के गांव गांव में एक एक जगह पर जन स्वास्थ्य चेतना केंद्र हिंदुस्तान के अंदर यह पहला बिहार का है जिस बिहार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उस समय क्रांति जगाने का काम किया था।